इससे पहले हम सुंदरकांड के दोहा नंबर 5 तक कर चुके हैं, अब इससे आगे चलते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमाहु तारक करें कपिरागा, तेही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हठि करियों पहचानी, साधु ते होइ न कारज हानि, विप्ररूप धरि वचन सुनाई, सुनत विभीषण उठतें आए, कर प्रणाम पूछी कुसलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुन ग्राम। यह प्रसंग उस समय का है जब लंका में हनुमान जी विभीषण जी से मिले। विभीषण जी के घर के सामने बहुत सारे धार्मिक चिन्ह बने थे, तुलसा जी का पौधा लगा हुआ था। ये सब देखकर हनुमान जी ने सोचा कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन लोगों का क्या काम। वो मन में इस प्रकार सोच ही रहे थे, उसी समय विभीषण जी जाग गए। जागते ही उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, उनकी आवाज़ सुनकर हनुमान जी ने उन्हें सज्जन आदमी समझा और हनुमान जी मन में बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इनसे अपनी तरफ से ही पहचान करनी चाहिए, क्योंकि साधु से पहचान करने से कभी काम की हानि नहीं होती, वस्तुतः लाभ ही होता है। तब ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते विभीषण जी उठकर वहाँ आए, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि आप अपने बारे में हमें पूरी तरह से समझाइए, आप कौन हैं, क्या आप भगवान के भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम जी ही हैं, जो कि मुझे बड़भागी करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए खुद यहाँ पर आ गए। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना परिचय दिया और रामचंद्र जी के बारे में सारी कहानी बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के शरीर पुलकित हो गए और दोनों ही प्रेम में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहन हमारी, चिमटस नैन माहु जीभ बिचारी, तात का बहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा, तमस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अमोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिलहि नहीं संता, जौ रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना, सुनह विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, तेरिन ताही न मिले आहारा, अस्मै अधम सखासुन, मोहु पर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमर गुन, भरे विलोचन नीर। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि हनुमान जी सुनिए, मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, मतलब मैं दूसरों के वश में रहता हूँ, अपनी मर्जी से मैं हमेशा डर में रहता हूँ, हमेशा खतरा बना रहता हूँ। और मुझे ये बताइए कि मुझे अनाथ समझकर श्री रामचंद्र भगवान जी मुझ पर कब कृपा करेंगे। विष्णु जी आगे कहते हैं कि मेरा राक्षसी शरीर है,
मेरे पास कोई भक्ति का साधन नहीं है और ना ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, पर हनुमान पर अब मुझे यकीन है, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब प्रभु श्री राम जी ने कृपा की तभी आपने मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि बताइए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो एक चंचल वानर हूँ और किसी प्रकार से भी अच्छा ऊँचा नहीं हूँ। जो लोग सुबह सुबह हमारा नाम ले ले उसे पूरे दिन खाने को ना मिले। लेकिन इतना होने पर भी हनुमान जी ने मुझ पर भी कृपा की और भगवान जी के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी की आँखों में प्यार से जल भर गया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, रहते काहे न हो दुखारी, हे वीर कहत राम गुण रामा, पावा अनिर्वाच श्यामा। उन सब कथा विभीषण कही, हे वीर जनक सुता तहराही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूँ जान की माता। जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत वेदा कराई। कैसे रूप गयउ कुन तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। एक मन ही मह कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जातन सजामा। प्रसन्न शीत जटाई कबीनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन धीमन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। हनुमान जी विभीषण जी से आगे कहते हैं, हे विभीषण जी, जो इन सब बात को जानते हुए श्री रामचंद्र जी को बुलाकर बाकी संसार की चीज़ों के पीछे भटकते फिरते हैं, श्री राम जी को बुला देते हैं या प्रभु की भक्ति नहीं करते, वे तो दुखी रहेंगे ही, तो दुखी क्यों ना हो। वैसे प्रभु को भूल जाता है, उसको तो दुखी रहना ही है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को याद करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। भगवान जी के गुणों के बारे में बताकर उनके मन में बहुत शांति मिली। उसके बाद विभीषण जी ने हनुमान जी को वो सारी चीज़ें बताई जिस प्रकार सीता जी लंका में रहती। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि हे विभीषण जी, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता माता के दर्शन के लिए सारे के सारे उपाय उनको कह कर सुना दिए। उसके बाद हनुमान जी ने उनसे विदा लिया और फिर से छोटा सा रूप लेकर वो अशोक उन्हें पहुँच गए जहाँ सीता जी रहती। अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी ने सीता जी को देखा और देखकर उन्होंने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे पूरी रात उनकी बीत जाती थी, शरीर उनका दुबला हो गया और हनुमान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में हमेशा रहती थी, उनके हमेशा उनके गुणों का स्मरण करती रहती थी, उनका जाप करती रहती थी। तब हनुमान जी ने यह देखा कि सीता माता अपनी आँखों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और उनका मन श्री राम जी के चरणों में। सीता जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए।